हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय मिसन। आज मैं आपके लिए सौंफ के शरबत की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये शरबत गर्मियों में ठंडक भी देता है और डाइजेशन भी ठीक रखता है। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं सौंफ का शरबत। इसके लिए मैंने बारीक सौंफ लिए हैं जो 100 ग्राम के करीब हैं। इसे हम भिगो लेंगे 8 घंटे के लिए। और बारीक सौंफ ही आपने लेने, क्योंकि मोटे सौंफ जो हैं वो अचार में ही यूज़ होते हैं और ये जूसी होते हैं। इनका जो टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया रहता है शरबत बनाने के लिए। शरबत में डालने के लिए मैंने 250 ग्राम जो है वो धागे वाली मिश्री ली है। इसे रॉक शुगर भी बोलते हैं और कुजा मिश्री भी बोलते हैं। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं। और ये अनरिफाइंड होती है इसलिए ये हेल्दी भी है। इसे हम अच्छे से क्रश कर लेंगे पहले थोड़ा थोड़ा, और इसके धागे जो हैं वो अलग कर लेंगे। मैंने इसके धागे अच्छे से निकाल दिए हैं। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे ग्राइंडर में डालकर अच्छे से। और इसी में मैं 15 से 20 इलायची भी डाल रही हूँ टेस्ट को एनहेंस करने के लिए। और इकट्ठा ही इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए फाइन पाउडर तैयार हो गया है हमारा। इसे अलग बाउल में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब जो सौंफ हमने भिगो कर रखे थे उसी जार में हम इसको भी ग्राइंड कर लेंगे, लेकिन हमने वाटर नहीं डालना है, पानी को अलग कर लेना है। सिर्फ सौंफ को ही हम ग्राइंड करेंगे। धीरे धीरे करके इसको ग्राइंड करना है आपने। बीच में रुकना है, फिर थोड़ा सा ग्राइंड करना है ताकि एक स्मूथ पेस्ट तैयार हो जाए। और फिर से हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे, इसको ग्राइंड करते जाएंगे। और 3-4 बार आप इसको करेंगे तो ये बहुत अच्छा पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। अब मिश्री और सौंफ को हम इकट्ठा कर लेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। दोबारा उसको ग्राइंड भी कर लेंगे ताकि एक स्मूथ पेस्ट जो है वो हमें मिल जाए और जो मिश्री है वो अच्छे से उसमें सौंफ में मिक्स हो जाए। ये शरबत बहुत ही फ़ायदेमंद है आपकी पेट की भी बीमारियों के लिए, और नक्सीर फूटने जैसी प्रॉब्लम्स जो आती हैं उसका भी जो सोल्यूशन है वो शरबत ही है। और आप इसे ज़रूर गर्मियों में ट्राई करें। चलिए फिर बातों बातों में हमारा जो ये स्मूथ पेस्ट भी तैयार हो गया है। अब इसको हम छन्नी से अच्छे से छान लेंगे। अगर इसमें थोड़ा सा रह भी गए हैं, जो ग्राइंड नहीं हुआ है मिक्सचर, वो निकल जाएगा और एक स्मूथ पेस्ट हम मिल जाएगा। ये देखिए इसे अच्छे से हम छान लेंगे। ये देखिए जो पार्टिकल्स छोटे छोटे रह गए हैं वो हमारे अलग हो गए हैं और स्मूथ पेस्ट हमें मिल चुका है। अब ये हमारा जो ड्रिंक है, शरबत है, वो रेडी हो चुका है। इस शरबत को आप दूध में भी डालकर पी सकते हैं, पानी में भी डालकर पी सकते हैं। और इसे मैं बनाना आपको ज़रूर बताऊंगी। पहले हम इसको बॉटल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसको कांच की बॉटल में ही आप ट्रांसफ़र करिएगा और 15 दिन के लिए इसको आप स्टोर कर सकते हैं। इससे ज़्यादा स्टोर नहीं करना है और इसको फ्रिज में ही आपने रखना है। बाहर रखेंगे तो, क्योंकि इसको हमने वो क्या कहते हैं ना, हमने आग से पकाया भी नहीं है और ये ख़राब भी हो सकता है, इसलिए 15 दिन से ज़्यादा ना इसे रखें। तो चलिए फिर बनाते हैं। मैंने एक गिलास में 2 चम्मच बड़े चम्मच लिए हैं वैसे शरबत के, और उसमें मैंने चिल्ड वाटर डाला है। बस इसको मिक्स ही करना है। आपके पास अगर ठंडा पानी नहीं है तो इसमें आप आइस क्यूब्स भी डाल सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब दूसरे गिलास में भी मैंने 2 बड़े चम्मच जो हैं वो शरबत के लिए हैं। इसमें हम चिल्ड मिल्क डालेंगे और उसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारा शरबत तैयार है सर्व करने के लिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाएगी। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।